अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई ख्वाहिश है, कोई विश है, कोई डिज़ायर है जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो कि कब होगी वो विश पूरी और आपको क्या करना चाहिए उस विश को पूरा करने के लिए, तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम टाइमिंग जानेंगे आपकी विश की कि कब पूरी होगी, और साथ में ये जानेंगे कि आपको अपने एंड पे क्या करना चाहिए उस विश को हासिल करने में, चाहे वर्क रिलेटेड विश है, लव लाइफ रिलेटेड विश है, जो भी विश है, जो भी डिज़ायर है उसके बारे में सोच सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच करती सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रिचार्ज करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो कब होगी आपकी ये स्पेसिफिक विश पूरी? कार्ड्स आ चुके हैं हमारे पास, दो कार्ड्स, और आपको क्या करना चाहिए पहले वो कार्ड्स पुल आउट कर लेते हैं। लेट्स सी कि आपको क्या करना चाहिए गिवन सर्कमस्टांसिस में ताकि आपकी जो विश है, जो डिज़ायर है वो पूरी हो सके। लव लाइफ के लिए पहले दो कार्ड्स ऐड कर लेते हैं। आपकी अगर डिज़ायर विश जो है वो लव लाइफ से कनेक्टेड है तो उसके लिए क्या गाइडेंस है आपके लिए, 1, 2। और अगर किसी और एरिया से कनेक्टेड है आपकी विश, आपकी डिज़ायर, तो लेट्स सी कि उसके लिए आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। फेरी मैसेज देख लेते हैं क्या है आपके लिए गाइडेंस, ताकि आप जो चाहते हो वो आपको जल्द मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं, पहले टाइमिंग देखते हैं कि कब आपकी ये विश, आपकी ये डिज़ायर पूरी होगी, उसके बाद हम देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। पहली चीज़, टेक अ ब्रेक। मुझे लगता है कि आपको इस चीज़ को लेकर स्ट्रेस जो आप ले रहे हो आपकी डिज़ायर से रिलेटेड, उसको लेकर थोड़ा आपको चिल्ड आउट होने की ज़रूरत है। 88 नंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट रह सकता है, अर्थ साइंस काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। हो सकता है कि आप खुद अर्थ साइन हो सकता है कि नंबर 29 काफ़ी सिग्निफिकेंट हो इस सिचुएशन को लेकर, लेकिन मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो इस सवाल को लेकर, इस विश को लेकर, इस डिज़ायर को लेकर। आपको राइट नाउ थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, थोड़ा पॉज लेना चाहिए, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज़ें हो जाएंगी, वर्कआउट हो जाएगी, जो आपकी विश है, जो आपकी डिज़ायर है, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास अप्रैल का, तो हो सकता है क्योंकि अभी हम लोग हैं मई में जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, तो हो सकता है कि अगर आप ये लेटर ऑन रीडिंग चेक करते हो तो हो सकता है कि आप अप्रैल के पास हो, लेकिन स्टिल अप्रैल का महीना जो है आपकी विश, आपकी डिज़ायर आपको पूरी होते देख सकती है। सो अभी टाइम है, अभी इस डिज़ायर को पूरा होने में, इस विश को हासिल कर पाने में आपको टाइम लगेगा। एक साल तकरीबन मुझे लगता है कि अभी आपको लग सकता है फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, जो आप चाहते हो, जो आप डिज़ायर करते हो उसको हासिल करने में। सो देखते हैं कि आपको गिवन सर्कमस्टांसिस में क्या करना चाहिए। वी डू हैव बी ऑप्टिमिस्टिक, कीप इन माइंड दैट यू क्रिएट योर रियालिटी, यू कांट अट्रैक्ट लव विद अ नेगेटिव माइंड सेट। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि एक साल का टाइम आपको स्टिल लग जाए अपने आप को पॉजिटिव करने में, अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक बनाने में। आप ऐसे काफ़ी सारे लोग चाहते बहुत अच्छा कुछ हो, लेकिन जब आप सोचते हो तो बहुत गंदा सोचते हो, बहुत गलत सोचते हो, बहुत नेगेटिव सोचते हो। तो वो जो चेंज मस्ट है एक पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने के लिए, वो चेंज आपकी ज़िंदगी में एक साल ले जाएगा, यू नो, टू हैपन। आपको राइट नाउ शायद समझ नहीं आ रहा है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, स्पेशली अगर आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, आप टूल्स एंड टेक्निक सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आप एट द सेम टाइम अपने माइंडसेट को पॉजिटिव नहीं कर पा रहे हो, तो वो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट जो है वो चला जाएगा पॉजिटिविटी की तरफ, लेकिन उसमें पूरा साल का टाइम लग सकता है। लेकिन अगर आप स्पीड अप करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि अगर आप अपने आप को थोड़ा चेंज कर लो, पॉजिटिव कर लो, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव कर सको, अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव कर सको, तो आप जो चाह रहे हो, आपको जो डिज़ायर कर रहे हो, आपको अप्रैल से पहले भी मिल सकता है। देन यू डू हैव फ्री योर सेल्फ, यू डोंट नीड टू बी इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग फॉर अ लव रिलेशनशिप टू बी सक्सेसफुल। आपको हर चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सरेंडर करो। कोशिश करो कि आप जो स्ट्रेस ले रहे हो इस चीज़ को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, अगर रिलेशनशिप से कनेक्टेड है चीज़, तो उसका जो स्ट्रेस आप ले रहे हो आपको उसको लेट गो करना है, सरेंडर करना है। ज़्यादा सर पे चीज़ों को मत चढ़ाओ, क्योंकि जितना ज़्यादा सर पे चढ़ाओगे उतना ज़्यादा आप स्टक रहोगे, नेगेटिविटी में फंसे रहोगे। जितना ज़्यादा सरेंडर करोगे उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट्स जल्दी मिल सकते हैं। सो अप्रैल का महीना हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल आपको थोड़ा पेशेंटली चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है। लेट्स सी, अदरवाइज अगर कोई लव से रिलेटेड विश नहीं थी, डिज़ायर नहीं थी, जो आपकी ड्रीम है वो किसी और चीज़ से रिलेटेड, लेट्स फाइंड आउट कि वो उसके लिए क्या गाइडेंस आपके लिए। वी डू हैव फ्लरिश, द लोटस फ्लावर फेरी टेल्स यू टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड शेड योर इनर लाइट
ऑन एनी अनक्लियर एरियाज ऑफ योर लाइफ और दोज ऑफ अदर्स. कोशिश करो कि आप अपनी मिस्टेक्स और दूसरों की मिस्टेक्स से सीखो. कोशिश करो कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी आप अपनी ज़िंदगी में राइट ना एक्सपीरियंस कर रहे हो, उस उन सब एक्सपीरियंसेस से लर्न करो. कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, आपके आसपास के लोगों की ज़िंदगी में, जिससे आपको लर्न करने की और अपने आप को हील करने की, अपने आप को ग्रो करने की ज़रूरत है. और मुझे लगता है कि आप लोगों के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं सीखोगे तो अगैन डिवाइन आपको वो टाइम जो है, वो अप्रैल तक का महीना, जो आने का महीना तक का जो टाइम है, वो ले जाएगा. यू नो, अगर आप अपने आप को चेंज करते हो, खुद से अपने आप को अलाइन करना शुरू करते हो, तो चीज़ें जल्दी हो सकती हैं. वरना अप्रैल तक का टाइम डेफिनेटली लग सकता है आपकी विश पूरी होने में. वी डू हैव अ सेलिब्रेशन. गेट रेडी टू लेट योर हेयर डाउन एंड सेलिब्रेट. इट्स टाइम टू गो आउट टू डांस एंड प्ले. एन इन्विटेशन कुड बी ऑन द वे. आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप मैनिफेस्ट कर लोगे चीज़ों को जल्दी, क्योंकि मुझे लगता है कि डिवाइन रियली वॉन्ट कि आप अपने आपको ऑलरेडी अलाइन करना शुरू कर दो पॉजिटिविटी के साथ. जितनी जल्दी पॉजिटिविटी के साथ अपने आप को अलाइन कर पाओगे, उतना जल्दी आपका जो रिवॉर्ड है, आपकी जो विश है, आपकी जो डिजायर है, वो आपको पूरा होते मिलेगी. अगर आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस लाने वाले हैं जो आपको लगता है कि जब ये मेरी विश पूरी होगी ना, फिर मैं लेकर आऊंगा, स्टार्ट टेकिंग एक्शन जिससे आप वो चेंजेस ला सको. क्योंकि इन दैट सिचुएशन फिर आपको लैक नहीं फील होगा. जैसे फॉर इंस्टेंस, अगर आपने डेट पे जाना है, आपने प्रपोजल एक्सेप्ट करना है, आपने अपने क्रश का मैसेज रिसीव करना है, तो आप उस क्रश को एज अ क्रश नहीं देखो, आप उसको एज अ पार्टनर देखो, एज अ लाइफ पार्टनर देखो. फिर जब आप उस वाइब में होगे और आप अगर सोचो कि आपने आज डेट पे जाना है उस इंसान के साथ, तो आप किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करोगे, स्टार्ट डूइंग ऑल दोज थिंग्स. इसी तरह अगर आपकी कोई जॉब से रिलेटेड विश है, जॉब से रिलेटेड डिज़ायर है जो आप पूरा करना चाह रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपको अपने आप को बेटर अप करने की ज़रूरत है. अपने आप को उस लेवल का बेटर अप करो कि जैसे एज इफ यू गॉट द जॉब ऑलरेडी. तो फिर आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगी, आपके थॉट प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस आएंगी, उन चीज़ों को लिव करना शुरू कर दो अपने माइंड के अंदर, और फिर आपकी जो डिज़ायर है विश है, वो आपको बहुत जल्द पूरी होते दिखेगी. सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की. आप ऐसे कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको कोई इन्विटेशन भी मिल सकता है आने वाले टाइम में, जिसमें बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि एक इन्विटेशन, एक ऐसी कॉल जो कि आपको जैसे होता है ना चीट कोड मिल जाए, जिससे टू अचीव योर सक्सेस, टू अचीव योर ड्रीम, वो होने के चांसेस काफी स्ट्रांग है. चाहे आप अभी नेगेटिव हो तब भी, और अगर पॉजिटिव हो तब भी, मुझे लगता है कि डिवाइन आपको अप्रैल से पहले पहले एक चांस जरूर देगा, जिससे आप वो चीट कोड यूज करके आप अपने सक्सेस को पहले भी हासिल कर सकते हो. लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपको एक साल का टाइम लग जाएगा टू हैव व्हाट यू वांट. सो वो जो चीट कोड है, कहीं ना कहीं वो किसी सेलिब्रेशन या इनविटेशन या कॉल या मैसेज के थ्रू आएगा. अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हो एंड यू टेक एक्शन टुवर्ड्स इट, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज इंस्टेंटली भी आ सकता है, जल्दी भी आ सकता है. लेकिन अगर आप नहीं करते हो, इफ़ यू डोंट आंसर दैट इनर कॉल और आप उसकी तरफ एक्शन नहीं लेते हो, तो तब मुझे लगता है कि एक साल का टाइम आपको वेट करना पड़ेगा. सो ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय.